अगर आप नई इमेजिनेशन पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक भी कीजिएगा। क्या करना है, बॉटम टर्निंग करनी है। अब हम यहाँ पे किसी भी एक साइड से स्टार्ट होंगे, जैसे कि हम इस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे टर्न लेना है। बिल्कुल बारीक सा, हमने आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ा है, सिर्फ इसीलिए हम हल्का सा बारीक सा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो गोल घेर है, गोल घेर को इसी तरीके से स्टिच करना चाहिए। ज्यादा चौड़ा करेंगे तो वो स्टिच नहीं हो पाएगा। बारीक बारीक टर्निंग करनी है बस। और वहीं से ये दूसरी वाली साइड पे टर्न कर लेंगे ऐसे, और यहां से हमने इस साइड पे आना है। जो टर्निंग है, टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल बारीक बारीक ही टर्न करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे घुमाव आ रहा है तो कई लोगों का यहाँ पे झोल आता है, उसको बचाने के लिए हल्का सा ऐसे टर्न करेंगे। और आप चाहे तो पहले प्रेस भी कर सकते हो, इसको ऐसे टर्न करके, ये जो इससे थोड़ी दूरी में ऐसे गोल टर्न है ना, ऐसे हम टर्न करेंगे। बिल्कुल ऐसे सेट कर देंगे। इसका जो चुन्नट है वो अंदर की साइड पे आनी चाहिए, बाहर की साइड से सफाई आनी चाहिए। तो ऐसे इसको यूं दबा देंगे और स्टिच करते चले जाएंगे। तो यहां से सफाई से आएगा। ऐसे ही थोड़ा सा दूरी पे ऐसे टर्न करेंगे, फिर आगे की तरफ। खींचना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टली पकड़ना है ऐसे और ऐसे, तो ये आराम से टर्न हो जाएगा ऐसे ही। ये देखेंगे ये बिल्कुल सफाई से टर्न हुआ है, अब झोल नहीं आ रहा, बिल्कुल सफाई से टर्न हुआ है। यहां से भी इसको ऐसे पूरे में कर लेंगे बॉटम टर्निंग। खींचना तो है ही नहीं ना, हल्का सा ऐसे करके ढीला छोड़ दो और ऊपर से ऐसे फिंगर रखेंगे ऐसे। फिर से गोल आ गया है, तो देखिएगा इस इधर है सुई, मैं इधर पकड़ूंगी हल्का सा दूरी पे, ऐसे टर्निंग करूंगी और खींचना नहीं है, ऐसे फिंगर रखिए। जैसे ऐसे पास आएगी ये हटाते रहेंगे फिंगर अपनी, फिर थोड़ा सा दूरी पे, जो भी आपका इकट्ठा होगा कपड़ा वो अंदर के साइड पे होगा, बाहर के साइड पे सिंपल रहेगा।
जैसे जैसे शेप में ये घूम रहा है वैसे वैसे शेप में ही आप अपने कपड़े को घुमाएंगे। अब इसका जो लीवर लिफ्ट करके ऊपर करके ये आसानी से बैठ गई, नहीं तो ये नहीं हो पा रही थी। ऐसे करके अब मैं दोबारा से स्टिच कर लूंगी। लास्ट तक सिलाई लगा लेना और हमारा ये बॉटम रेडी है। आप मुझे ज़रूर बताना कि अब आपसे हुआ या नहीं। इस तरीके से आप कुर्ते या अपनी नॉर्मल लेडीज शर्ट पे भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे कमेंट हुए कि आपको ये कैसा लगा। कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए भी कोई सोल्यूशन लेकर आऊँ। थैंक यू।